जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेन परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और ये सदियों से हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली रेलगाड़ी को कब, कहां और किसने बनाया था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो पहली बार रेलगाड़ी की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोलाटन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। उसके बाद दुनिया की पहली ट्रेन एक ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1771 को हुआ था। उन्हें बचपन से ही मशीनों से काफी लगाव था। वैसे तो रिचर्ड ट्रेविथिक ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, फिर भी कम उम्र में ही शिक्षित इंजीनियरों से समाधान न होने वाली समस्याओं को भी हल करने की उनकी सहज क्षमता के कारण उन्हें 19 साल की उम्र में कोयला खदानों में एक इंजीनियर के रूप में अपनी पहली नौकरी प्राप्त की। उस समय कोयले की खदान से पानी निकालने के लिए जेम्स वॉट के द्वारा निर्मित स्टीम इंजन का उपयोग होता था, जो बहुत कम प्रेशर जनरेट करता था। इसलिए रिचर्ड ट्रेविथिक ने इस तकनीक पर काम करके इसे पहले से और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। लेकिन ये बात जेम्स वॉट को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस प्रयोग को खतरनाक बताकर उन पर मुकदमा दायर कर दिया। फिर भी रिचर्ड ट्रेविथिक ने इन सब समस्याओं को इग्नोर करते हुए अपने प्रयोग को जारी रखा। उसके बाद उन्होंने 1801 में एक स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ी को बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसे उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने साथ कुछ दोस्तों को एक छोटी सी यात्रा पर ले गए। फिर 1803 में उन्होंने दूसरी गाड़ी बनाई। इसके बाद रिचर्ड ट्रेविथिक ने पटरी पर चलने वाला दुनिया का पहला स्टीम इंजन बनाया, जो 21 फरवरी 1804 को 10 टन लोहा, 70 यात्रियों और 5 डब्बों को लेकर 9 मील की यात्रा लगभग 5 मील प्रति घंटे की गति से पूरा किया। दुर्भाग्य से यह ट्रेन इतना भारी था कि इसकी पटरियां टूटती चली गईं और केवल 3 यात्राओं के बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1805 में दूसरा और 1808 में तीसरा स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन बनाया, जिसका नाम कैच मी हू कैन रखा, जो सर्कुलर ट्रैक पर चलती थी, जिस पर यात्रा करने के वो कुछ पैसे लेते थे। लेकिन हर बार कच्चे लोहे की पटरी होने के कारण वो इंजन के वजन से टूट जाती थी, जिस वजह से ये प्रयोग उतनी सफल नहीं हो पाई और अंततः उन्हें आर्थिक तंगी से परेशान होकर इन परियोजनाओं को बंद करना पड़ा, जिस वजह से रिचर्ड ट्रेविथिक को काफी निराशा हुई और वो अपनी बची हुई जिंदगी अकेले ही काफी गरीबी में बिताया। एक बार वो टाइफाइड से पीड़ित हो गए, तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवा सकें। सही समय पर इलाज न मिलने के कारण 22 अप्रैल 1833 को 62 वर्ष की उम्र में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये थी दुनिया की पहली रेलगाड़ी के बनने और बनाने वाले की संघर्ष से भरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।